हेलो फ्रेंड्स, राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही शुक्रवार 31 मई 2024 को रिलीज हो रही है। मई में कोई बड़ी फिल्म ना रिलीज होने के कारण बॉक्स ऑफिस और फिल्म इंडस्ट्री को मिस्टर एंड मिसेस माही से काफ़ी उम्मीदें हैं। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और वहीं एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो टिकट खिड़की पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि पहले दिन इस मूवी का कितना कलेक्शन हुआ। ट्रेंड एनालिस्ट सुमित कदेल के मुताबिक मिस्टर एंड मिसेस माही पहले दिन 4 से 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। शुक्रवार को फिल्म के टिकट की कीमत महज 99 रुपए है, जिसका फायदा फिल्म को मिलेगा। वहीं पहले वीकेंड के बाद फिल्म 11 से 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। फिल्म को यदि अच्छी माउथ पब्लिसिटी मिलती है तो अच्छे वीकेंड्स के अलावा फिल्म 25 करोड़ रुपए से अधिक का लाइफ टाइम बिजनेस कर सकती है। सुमित कदेल के मुताबिक फिल्म को एडवांस बुकिंग में शानदार रिस्पांस मिल रहा है। एडवांस बुकिंग में मिस्टर एंड मिसेस माही को 2 लाख टिकट्स बुक हो सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही को काफ़ी अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। वहीं फिल्म की मेरिट को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस महीने श्रीकांत के बाद दूसरी हिट फिल्म बन सकती है। सुमित कदेल ने मिस्टर एंड मिसेस माही को 3.5 स्टार्स दिए हैं और फिल्म को अच्छे इमोशनल ड्रामा से भरपूर किया है। मिस्टर एंड मिसेस माही के लिए जून का पहला हफ्ता काफ़ी अहम है। हालांकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं, जिसका असर फिल्म पर पड़ सकता है। इसके अलावा 14 जून को कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन रिलीज हो रही है। इसके अलावा 27 जून 2024 को प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन की फिल्म कल्कि 2898 AD रिलीज होगी। राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का फैंस का को बेसब्री से इंतजार था। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इसे लेकर लोगों के में बच बना हुआ है। यह फिल्म 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सोमवार को मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। कई बॉलीवुड सेलेब्स स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। यह फिल्म देखने के बाद हर कोई इसकी तारीफ करते हुए नहीं रुक रहा। सोहा अली खान, कुणाल खेमू, अंगद बेदी और नेहा धूपिया समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने मूवी देखने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी पोस्ट भी शेयर की है। मिस्टर एंड मिसेस माही की बात करें तो यह एक कपल की कहानी है जो कि शादी के बाद अपने सपनों को पूरा करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत दमदार है, साथ ही कलाकारों ने भी शानदार एक्टिंग की है। आइए आपको बताते हैं कि सेलिब्रिटीज ने फिल्म की तारीफ में क्या कहा है। तो कुणाल खेमू ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मिस्टर एंड मिसेस माही का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, खुशी दिल में होती है, वह बाहर नहीं मिलती। सिंपल, स्वीट और इफेक्टिव, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं कुणाल की पत्नी सुहा ने लिखा, कितनी प्यारी फिल्म है जो याद दिलाती है कि जिंदगी में ज़रूरी है वह खुशी है। अंगद बेदी ने लिखा, यह शानदार फिल्म देखी, बड़े दिल वाली कहानी, असली हीरो तो पीछे खड़े होकर भी बन सकते हैं। वेल डन शेरी, तुम मेरे 2 & 1 हो। राजकुमार राव और डायरेक्टर शरण शर्मा की तारीफ करते हुए अंगद ने लिखा, ईमानदारी, कमजोरी और असुरक्षा, यही बातें उन्हें मिस्टर एंड मिसेस माही बनाती है। जानवी मिसेस माही के साथ साथ क्रिकेट में भी माहिर है, वह हर फ्रेम में छाई रहती हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था। यह एक कपल की कहानी है जो दोनों ही क्रिकेट को लेकर पैशनेट होते हैं। जानवी कपूर फिल्म में एक डॉक्टर के किरदार में नजर आई हैं, जिसे क्रिकेट खेलना और देखना दोनों ही पसंद है। फिल्म में जानवी और राजकुमार के साथ अभिषेक बैनर्जी, राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब अहम किरदार निभाते हुए नजर आए हैं।
बॉलीवुड फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर अच्छे रिव्यू मिले हैं, जिसके बाद ही फिल्म के रिलीज का फैंस बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव की यह एक साथ दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने रूही में एक साथ काम किया था। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का बीते कुछ समय से दमदार प्रमोशन भी चल रहा है। जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव अपनी इस फिल्म को एक बॉक्स ऑफिस हिट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच यहाँ हम उन 7 कारणों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी वजह से यह फिल्म आपको बड़े पर्दे पर देखनी चाहिए। तो आइए बताते हैं उन 7 कारणों की। तो पहला कारण, डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी। मिस्टर एंड मिसेस माही के डायरेक्टर शन शर्मा की है दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की ही फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपनी डायरेक्टरियबल डेब्यू किया था। इस फिल्म में जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी। फिल्म को सीधा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। इसके बावजूद इस मूवी को मास ऑडियंस से काफ़ी प्यार मिला था, जिसके बाद अब जाह्नवी और शन एक दूसरे के एक बार फिर अपने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए लौट रहे हैं। दूसरा कारण, धर्मा प्रोडक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड। बॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही को बनाया गया। धर्मा प्रोडक्शन के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उनकी फिल्में अक्सर दर्शकों को दिल जीतने में कामयाब होती हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही की भी एक सिंपल कहानी के तौर पर रिलीज की जा रही है, जो दर्शकों को एक बेहतरीन थियोलिटिकल एक्सपीरियंस देने जा रही है। तीसरा कहानी है, इंस्पायर करती है कहानी। दर्शकों को एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो फिल्मों में एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंस्पायरिंग कहानी भी पसंद करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही का ट्रेलर देखकर यह साफ हो गया है कि फिल्म एक बेहतरीन मैसेज लेकर दर्शकों को इंस्पायर करने के लिए तैयार है। फिल्म में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर एक ऐसे पति पत्नी के तौर पर नजर आ रहे हैं, जो एक दूसरे के ड्रीम अचीव करने में पूरी कोशिश करते हैं और जिंदगी में बड़ा रिस्क भी लेने को तैयार है। बाद में चौथा कारण आता है, क्रिकेट लवर्स की लगी लॉटरी। IPL 2024 खत्म हो गया है। हालांकि क्रिकेट लवर्स के लिए मनोरंजन जारी रहने वाला है। शरण शर्मा की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म में क्रिकेट का तड़का लगने वाला है। अगर आपको भी क्रिकेट देखना पसंद है तो यह फिल्म भी ज़रूर देखनी चाहिए। जाह्नवी कपूर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्म शूट करने के लिए क्रिकेट में प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी। अगला कारण है, मिस्टर एंड मिसेस माही का म्यूजिक। जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में धर्मा प्रोडक्शन का म्यूजिक साफ नजर आ रहा है। फिल्म में मौजूद रीमेक सॉन्ग देखा तूने पहली बार वे ने दर्शकों की पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। इसके साथ ही इस फिल्म में अगर हो तुम, रोया तब तू है तो, जुनून है और रंजना भी मौजूद है। बड़े पर्दे पर यह गाने आपको एक धर्मा प्रोडक्शन की मूवी वाला फील देने वाले हैं। अगला कारण, फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म। धर्मा प्रोडक्शन की ज़्यादातर फिल्मों की तरह ही मिस्टर एंड मिसेस माही भी एक परफेक्ट फैमिली इंटरटेनर साबित होने वाली है। फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए आप अपने पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं और फिल्म की यह बात इसे और भी खास बनाती है। मूवी के ट्रेलर में परिवार के संबंधों, पति पत्नी के रिश्तों जैसे टॉपिक पर खासा जोर भी दिया गया। अगली न्यूज़ लव स्टोरी।
आज की जनरेशन के लिए प्यार के कई अलग अलग मायने हो गए हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही के लिए पति पत्नी के तौर पर दो लोगों के रिश्ते पर भी नई रोशनी डालने का काम कर रही है। फिल्म दिखाती है कि हम जिस इंसान को प्यार करते हैं उसे जिंदगी में अच्छा करने के लिए इंस्पायर भी करते हैं। दो प्यार करने वाले लोगों के लिए भी यह एक परफेक्ट वॉच साबित हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे मूवी देखकर ज़रूर बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी। तो बाय फ्रेंड्स।